आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तां जगदीशपुरा क्षेत्र के गुलाबनगर में जगह जगह पानी कूड़े के ढेर की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों की बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। शहर को स्मार्ट सिटी बनते हुए देखने का सपना सभी के जहन में है, लेकिन ये कब तक साकार होगा ये पता नहीं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के गुलाबनगर की। लोग गंदगी और बदबू में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारी भी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण नालियाँ और सड़क किनारे गंदगी के ढेर आसानी से देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। हमें समस्या ये कूड़ा पड़ा हुआ हमारे दरवाजे के सामने, उठाने वाला नहीं आया अभी तक। शिकायत करिए, सब लोग कुछ सुनाई नहीं, सब आता है कोई सुन के चले जाते हैं, कुछ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं उठाते उसमें कि कूड़ा उठाना है या नहीं उठाना है। अच्छा, क्षेत्रीय पार्षद से कोई शिकायत नहीं की आपने? अरे करिए, वोट सुनता रहे भाई, ऐसे वो तुमने उसको वोट दिए उससे बात करो, हमारे पास कोई तुमने वोट नहीं दिए हमको, ये सब राजा कहता है इस बात को। कभी आए हैं वो यहाँ पर? कभी भी नहीं आए साहब। वर्षों से चली आ रही समस्या पर संबंधित अधिकारियों और क्षेत्रीय पार्षद को कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में गंदगी के चलते क्षेत्र में बीमारियां होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके चलते क्षेत्रीय लोग दहशत में आ गए हैं। गोपाल शर्मा, सी न्यूज आगरा।